Guys, कुछ। कुछ। बैक तो आज के हम बनाने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर सऊदी फूड चेन अलबेक का चिकन रोस्ट वो भी घर पे बहुत ही ईजीसी रेसिपी के साथ दिडियो गए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक पॉल और इस पॉल के अंदर हम ऐड करेंगे वन एंड हाफ़ टेबल स्पून ऑफ विनेगर मैंने ये मेजरिंग स्पून के हल्प से ऐड किया आप नॉर्मल टेबल स्पून के हल्प से भी ऐड कर सकते हैं उसके बाद गाइस हम इसके अंदर ऐड करेंगे वन एंड हाफ़ टेबल स्पून ऑफ़ सोया सॉस उसके बाद गाइस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैंने यहाँ पे एंड गाइस फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया इसके अंदर चिली सॉस ये भी अगेन वन uh, टेबल स्पून ही था उसके बाद गाइस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा ब्लैक पेपर उसके बाद मैंने आप फिर वन टी स्पून इसके अंदर ऐड किए आई एम सॉरी वन टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किए सॉल्ट वन टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड किए गार्लिक पाउडर और साथ मैंने इसके वन टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया जिंजर पाउडर उसके बाद मैं इसे एक फोर्क की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो गई इस वजह से प्रॉपरली मिक्स करना बहुत ज़रूरी है उसके बाद पहन लेंगे हाथ पे ग्लव्स अगर तो आपके पास हैं तो आप लोग पहन लें अदरवाइज तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी पानी मैंने इसके अंदर आधा कप से भी थोड़ा सा कम ऐड किया है वो आपकी चिकन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चिकन की क्वांटिटी दे रहे हैं और यहाँ पे गाइस मैंने यहाँ पे चिकन जो है ना वो यहाँ पे मैंने गाइस लिया है वन के जी और इसको मैं इस तरीके से इसके अंदर वन बाय वन करके ऐड करूँगी और इससे ऐसे कंप्लीट हम इसके ऊपर ऐसे ऐसे लेयरिंग कर देंगे जो हमने अपना मिक्सचर सा बनाया है इसको पूरा इसके ऊपर कवर कर देंगे और अच्छे तरीके से इसे इसके अंदर मिक्स कर लेंगे हम लोग ताकि हमारा जो चिकन है वो कम्प्लीटली इससे कवर हो जाए और आपने वन बाय वन करके ऐड करते रहना और साथ साथ इसे आपने कवर करते रहना इसको ऐसे मैं अभी प्लास्टिक फॉल की आपसे कवर कर दूंगी और इसको हम एक घंटे के लिए कवर करके रख देंगे और ऐसे हमने इसे कम्प्लीटली प्लास्टिक फॉल से इसे हमने कवर कर देना है कवर करने के बाद इसको ऐसे ही हम लोग साइड से पूरा कवर कर देंगे ताकि ये प्रॉपरली बंद हो जाए एक घंटे का ऐसे देंगे और एक घंटे के बाद हम अपने बाकी के स्टेप्स फॉलो करेंगे कितनी देर हमारा जो चिकन है उसे रेस्ट मिल रहा था मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया सैलेड सैलेड की रेसिपी अलग से मैं अपलोड कर दूँगी और यहाँ पे फिर मैंने एक और बॉल लिया है इस बॉल के अंदर हम ऐड करेंगे फ्लावर फ्लावर मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा कप लिया है आधा कप फ्लावर ऐड करेंगे हम लोग बेसिकली अपना चिकन की कोटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं अभी एंड मैंने इस तरीके से इधर फ्लावर ले लिया है एंड बाद में मैंने आधा कप और ऐड कर दिया था कम्प्लीटली एक, एक कप हो गया फ्लार तो एक कप फ्लार लिया है उसके बाद हम अपने एक कप फ्लार के अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर वन टीस्पून उसके बाद ऐड करूँगी सॉल्ट सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं सॉल्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा जिंजर पाउडर अगेन हाफ़ हाफ़ टी स्पून है और फिर मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर भी ऐड किया है इनको प्रॉपरली से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी भी स्पून वगैरह की हेल्प से अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है हमने यहाँ पे गाइस मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली से सारे स्पाइसेस के अंदर मिक्स हो गए हैं उसके बाद हमने क्या करना है ये वाला हमने अपना बैटर सा ले लेना है साथ एक बोल में पानी ले, ले लेंगे और साथ ही अपना वो मैरिनेटेड चिकन ले, ले लेंगे अब हमने क्या करना है वन बाय वन करके हमने अपने चिकन को कोटिंग करनी है उसके लिए आपने क्या करना है चिकन का एक पीस उठाना है उसको आपने ऐसे सबसे पहले ऐड करना है इस चरण में जो हमने बनाया है सारे स्पाइसेस और फ्लावर को मिक्स करके इसको ऐसे हम लोग चिकन को निकालेंगे इस तरीके से इस फ्लावर के मिक्सचर के अंदर ऐड करना है ऐसे पूरे तरीके से इसके अंदर कोट कर देना ऐसे कोटिंग करेंगे कोटिंग करते जाएंगे जब तक आपको लगे कि ये परफेक्ट एक कोटिंग हो गई ज्यादा कोटिंग की जरूरत नहीं है तब तक आप इसे कोट कर सकते हैं उसके बाद इसे से निकालेंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ऐड करी पानी के अंदर पानी के अंदर इसे आप ऐसे रख दें और थोड़ी देर के बाद आपने हल्का सा पानी के अंदर से इसे निकाल लेना है पानी के अंदर से निकालने के बाद आपने इसे दोबारा से उसी मिक्सचर के अंदर कोट करना है कम्प्लीटली तरीके से इसी तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करते जाना है अपने सारे के सारे चिकन के साथ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कंप्लीटली ये जो चिकन है ये ऐसे हो चुका है कोट और यही होता है प्रॉपर ब्रोस का कोटिंग उसके बाद आगे भी एक और चिकन लेंगे उसको भी सेम इसी तरीके से पहले इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि जिस चीज़ में हमने अपने चिकन को मैरिनेट किया था वो भी लिक्विड है इस वजह से हमने पहले इसको मिक्सचर में ऐसे कोट करना है मिक्सचर में कोट करने के बाद हम इसे पानी में कोट करेंगे पानी में कोट करने के बाद हम इसे एक कोटिंग दोबारा से ऐसे ही अपने फ्लावर के मिक्सचर के अंदर देंगे गाइस आप देख सकते हैं ऐसे अगेन पानी के अंदर ऐड किया है और पानी के अंदर ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन ट्वेंटी सेकेंड्स पानी के अंदर रखने के बाद हम इसे ऐसे ही निकालेंगे अगेन एंड फिर हम इसे अपने फ्लावर के मिक्सचर के अंदर प्रॉपर तरीके से कोट करेंगे इसी तरीके से आपने अपने सारे चिकन के साथ कर लेना है एंड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ऐसी चिकन की कोटिंग कर ली है मैंने और ऐसे ऐसे कम्प्लीटली तरीके से आपने इसे कोटिंग करते रहना और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी कोटिंग हुई जा रही है कम्प्लीटली तरीके से सारे चिकन के साथ ये स्टेप फॉलो करने के बाद आपने एक कढ़ाई ले लेनी है उसके अंदर आपने ऐड करना ऑयल कढ़ाई को आपने आधा तकरीबन ऑयल से फुल कर देना है हल्का हल्का जब आपका ऑयल गर्म हो बहुत ज़्यादा नहीं जब आपका ऑयल हल्का हल्का गर्म होना स्टार्ट हो जाए आप उसके अंदर ऐसे चिकन ऐड कर दें चिकन ऐड करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा होने देना है हल्का हल्का थोड़ा इसका टोन चेंज होने देना फिर ये जो ऐसी स्टेन सी आती है ना स्टेनर सी इसकी हेल्प से आप इसे हल्का हल्का मूव कर सकते हैं ताकि ये प्रॉपरली से पक भी जाए एंड इस तरीके से आप इसे मूव करते रहें ताकि अगर ये एक ही पोजीशन में पड़ा रहा तो ये जल भी सकता है इस वजह से इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कढ़ाई में डाले डाले आपने इसे मूव करना है दो तीन दफा और तकरीबन आपने इसे एट मिनट्स के लिए ऑलमोस्ट लो फ्लेम पे पकाना है और अगर आप उस पर पका रहे हैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से पकना चाहिए कम से कम सिक्स टू एट यहाँ पे आपने इसे प्रॉपर तरीके से फ्राई कर लेना है फ्राई हम इसे मीडियम uh, फ्लेम पे पहले करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप अगर चाहें तो आप इसकी फ्लेम चेंज कर सकते हैं ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं इसे फ्राई एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे आप इसकी पोजीशन भी चेंज करनी है ताकि जल ना जाए अदरवाइज़ अगर काफ़ी देर तक एक ही पोजिशन में पड़े रहे तो ये जल भी सकते हैं एंड कम्प्लीटली इसे काफ़ी देर के लिए uh, करना पड़ता है फ्राई इसे बेसिकली अगर आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन जो कढ़ाई वाला है वो बेस्ट है क्योंकि हर किसी के पास घर में एयर फ्रायर अवेलेबल नहीं होता है इस वजह से लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे ना ऐसी नेट सी आती है ये इसके अंदर आपने अपना चिकन है ना उसको स्टेन करके आपने अपने ब्रोस्ट को इसके ऊपर रख देना है Uh, क्योंकि अगर आप नैपकिन यूज करोगे तो गरम गरम नैपकिन पूरा इसके साथ चिपक जाएगा इस वजह से ऐसे आप इसके ऊपर रख सकते हैं इसे इसके ऊपर रखने के लिए uh, का ये फायदा है कि जो है ना जितना भी ऑयल है वो सारा स्टेन हो जाएगा आपके चिकन का और फिर आप इसे खा सकते हो क्योंकि ब्रोस्ट में बहुत ज्यादा ऑयल डलता है और वो उतना ही ज्यादा अनहेल्दी हो जाता है इस वजह से इतना ऑयल खा रहे हैं तो थोड़ा सा हम जो एक्सेस ऑयल है वो थोड़ा सा स्टेन होना जरूरी है इस वजह से वो हम हल्का हल्का स्टेन करेंगे और साथ ही यहाँ पे बाकी का भी आहिस्ता आहिस्ता करके अपना जितना भी ब्रोस्ट है उसे ऐसे फ्राई कर लेंगे और इसकी पोजीशन चेंज करना अगेन बहुत ज़रूरी है ताकि जल ना जाए एंड इसे फ्राई करने में सिक्स टू एट मिनट्स लगेंगे सारों को नहीं लाइक like एक या दो पीसेस को अगर आप फ्राई कर रहे हो तो हर बार आपको सिक्स टू एट मिनट ज़रूर लगेंगे इसे फ्राई करने में क्योंकि ये मीडियम uh, फ्लेम पे भी इतना अच्छा फ्राई नहीं होता है जितना ये लो फ्लेम पे बहुत अच्छा हो जाते हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी फ्लेम रख सकते हैं उसका कोई मैटर uh, नहीं करता लेकिन मैटर uh, सिर्फ ये करता है कि बहुत अच्छे तरीके से ये अंदर तक uh, पक जाए उसी के साथ गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ब्रोस्त है रेडी इसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज फ्राई किए थे तो साथ सैलेड था कोल्ड ड्रिंक थी और केचप था सैलेड की रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड यही थी मेरी आज की वीडियो डूट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे और आप लोगों को कैसी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा अपना ख्याल रखिएगा वीडियो को लाइक करेगा